फिल्म का इनिशियल फीडबैक आया है, लोगों को पसंद आ रही है। मैं वही इच्छा करता हूँ कि जो रिस्पांस जैसे ट्रेलर को मिला था वही एक बार लोग फिल्म देखें और उन्हें अच्छा लगे। और हाँ, उम्मीद यही है क्योंकि इरफान सर इतने बड़े लेजेंड हैं तो हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ सा रहता है, तो हम भी थे पहले 2-3 दिन में। ऐसा लग रहा था कि मतलब यार कि ऐसे कैसे होगा यार हम इतने, पर फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि एक्चुअली वो बिल्कुल उस टाइप के हैं नहीं। वो मतलब चाहते हैं लोगों से बात करना, वो चाहते हैं कि लोग उनसे आकर बात करें और बहुत एक्सेसिबल हैं, बहुत मतलब यारी दोस्ती में काम हुआ। बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है, आकर्ष के साथ मैंने काम किया हुआ है एक फिल्म में, फिर मिथिला पालकर जिसके साथ मैंने पिछले साल एक मराठी फिल्म की थी मुरांबा जो बहुत सक्सेसफुल रही, तो इरफान की पिक्चर है। बहुत सारे रीजंस हैं इस पिक्चर देखने के। आई एम श्योर इट विल बी अ फैंटास्टिक फिल्म। प्लस इरफान खान सर इज देयर एंड आई जस्ट विश फर्स्टली दैट ही गेट्स वेल सून। प्लस और उनकी एक्टिंग देखने के लिए तो मतलब कोई भी बेताब रहता है। आई एम श्योर एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी देयर इज अ गुड वाइब अबाउट इट। मुंबई में तो रोड ट्रिप हो नहीं पाती, एक तो आपको अच्छे से मालूम है हर गड्ढे के बाद में एक नया ट्रिप शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी रोड ट्रिप्स की हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं एंड पीपल हु एंजॉय ड्राइव्स, पीपल हु लाइक गोइंग आउट ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, दे वुड रियली रिलेट विद दिस फिल्म। और जो नहीं भी जाते हो वो ये फिल्म देखें और अपने आप रोड ट्रिप पर निकल जाएंगे। यार मैंने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर बहुत पसंद आया और इरफान साहब का काम देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। दुलकर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मिथिला पालकर, वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैम एंड आकाश इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। No, I think the film has come out really well. Yeah, I'm a little nervous, but mostly excited. Exactly, same feeling. Bahut nervous. I think I'm more nervous than I'm excited, but it's always a mixed feeling. Generally, हमारा shooting का on set माहौल बहुत अच्छा था। हम ये कह रहे हैं हमेशा से कि it was like a big picnic that we were on, क्योंकि हम 30 दिन केरला में रहे हैं, एक साथ travel किया है, एक साथ shoot किया है, तो on set तो मज़े आ ही रहे थे लेकिन off set भी उतना ही मज़ा आ रहा था। और जितना हमने मज़ा किया है वो सारा फिल्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वी आर होपिंग, एंड ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा देखने में।